नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, लेकिन बाजार में स्ट्रेंथ आ चुकी है 50 पॉइंट्स की, और ये शुरुआती सत्र से ही है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज तेज हुआ तो साथ साथ निफ्टी तेज हुआ। अच्छी तेजी में है अभी भी, 8950 के बेहद करीब जो कामकाज कर रहे हैं। क्या ये तेजी टिकाऊ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि बार बार पहुंचते हैं 9000 के करीब लेकिन उसको क्रॉस नहीं करते, उसके ऊपर क्लोज नहीं करते, ये एक इशू है मार्केट के साथ। लेकिन आज के सत्र में तेजी बन चुकी है, 2% ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप निफ्टी पे आज आपको दिखाई देगा। रिलायंस, BHEL, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी बैंक के कंपोनेंट, ज्यादातर कंपोनेंट में खरीदारी देखने को मिल रही है, 6% ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी बन चुका है, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव निफ्टी बैंक का फिर से बढ़ता हुआ नजर आया। पावर और तेल गैस शेयर्स और फोकस में रहे। रिलायंस 9 साल के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया और आज मल्टीपल ब्लॉक डील्स हुई हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ये भी आपको मैं बता दूं। निफ्टी फ्यूचर्स 2 करोड़ शेयर्स अब टोटल ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं, आज भी 5 लाख शेयर्स का एडिशन है। निफ्टी बैंक देखेंगे तो 6% ओपन इंटरेस्ट में एडिशन, और आज बात वही है कि एकदम से 9000 की जो कॉल है वो फिर से एक्टिव हो गई ओपन इंटरेस्ट में, यहाँ पर अभी भी बढ़त है। किसी भी लिहाज से 9000 की कॉल पे ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ, हालांकि आज सरप्राइज ये है कि क्वांटम थोड़ा कम है, 17 लाख शेयर इस सिस्टम में जुड़े हैं। इससे पहले अगर आप इस समय पिछले कुछ 2-3 दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 9000 की कॉल पे बहुत स्ट्रांगली ओपन इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा था, आज इतना सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं है और 8900 की कॉल पे कवरिंग है। संकेत तो है कि बाजार का सेटअप स्ट्रांग हो गया है, 8900 के लेवल को होल्ड करके तो हो सकता है 9000 के स्तर को एक बार फिर से 10 तक दे बाजार। 18% प्रीमियम घटा है 8900 की पुट का। लेकिन दो स्टॉक्स जो आज एक्शन में, रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर 9 साल के उच्चतम स्तर पे, और आज तो मल्टीपल ब्लॉक डील हो गई इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, अच्छी तेजी। और इसके अलावा भारत फोर्ज एक और स्ट्रक्चर जहाँ पर आज ट्रेडर्स की पोजीशन पॉजिटिव हो गई, क्योंकि यहाँ पर 28% बढ़ोतरी देखने को मिली क्लास 8 ट्रक्स, अगर यहाँ पर बिक्री बढ़ी तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे आना था। आज 2-2.5% का मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिला। और कुछ सेक्टर्स जो आज बस कर रहे हैं उसमें पावर सेक्टर्स शामिल है, पावर ग्रिड, PFC, REC जैसे स्टॉक्स पे आज हलचल ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आज बैंकिंग स्टॉक्स पे निचले स्तरों से पुल बैक है। देखिए, पुल बैक वाले दो सेक्टर्स आज, एक तो बैंकिंग जिसमें इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और OBC शामिल हैं, और साथ ही फार्मा स्टॉक सरप्राइज कर गए आज, वोकहार्ट साथ साथ टॉरेंट फार्मा, स्ट्राइड्स, ग्रैन्यूल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो निचले स्तरों से पलटते हुए नजर आए। IT स्टॉक्स का दिन नहीं है, यहाँ पर H1B वीजा को लेकर, नए रूल्स को लेकर कुछ जो है कंसर्न्स पैदा हो गए, और 1.5% 1.5% के आसपास से गिरावट इन सभी स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। कि प्रभाकर साहब मेरे साथ इसमें फोन लाइन पे मौजूद हैं। प्रभाकर साहब नमस्कार, स्वागत है। सर बताएं, क्या इस हफ्ते 9000 के टच होने की प्रोबेबिलिटी है? हालांकि डेटा हैवी वीक रहेगा ये भी, चाहे आप पॉलिटिकल फ्रंट पे बात करें या फिर घरेलू ट्रिगर्स, लेकिन क्या 9000 के टच होने की प्रोबेबिलिटी है, ये बताएं। AAA0 and the target of 9050. Yes, you know, the option data suggests 9000 is going to be a strong resistance. But going by today's gap up rise today, in spite of Asian market being weak, I think the inherent strength of Indian market led by Reliance is going to be, you know, playing out. And I think this is, market will cross 9000. ठीक है, 9000 के पार जाएगा, 9050 आप मानते हैं कि यहाँ पर जल्द लग जाएगा, 8880 का स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉक बताएं सर, अगर तेजी मेरे को बनानी है मार्केट में तो एक स्टॉक जहाँ पर ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी बाजार के मुकाबले वो बताएं। I have a buy on Arvind Limited, stop loss 380, target on the higher side 425. चलिए, बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद पे आप बुलिश हैं, मार्केट्स पे आप समझते हैं स्ट्रेंथ और गेन होगी, 380 का एक स्टॉप लॉस दे रहे हैं और 425 तक के टारगेट अरविंद पे देखने को मिल सकते हैं। मेरे साथ दीपेश पवैया साहब जुड़े हैं। दीपेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर बताएं, अगर मार्केट्स पे खरीदना हो तो क्या लगता है कि ये सही मौका खरीदने का या फिर किसी डिप का इंतजार कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडेक्स पे निफ्टी पे क्या किया जाए? जी रजत जी नमस्कार, निफ्टी में चार्ट्स पर हम अगर देखें तो पिछले थर्सडे को भी 9000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर बना हुआ है अभी के निफ्टी में, तो निफ्टी में काफी कुछ अच्छी रैली हम ऑलरेडी पिछले कुछ वीक्स में देख चुके हैं। मेरा मानना है यहाँ पर हमें 9000 जब के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती तो यहाँ पर बाय करने में काफी कुछ रिस्क है। अच्छा, तो उसी को स्टॉप लॉस लगा लेते हैं फिर यहाँ पर बेच दें बाजार को, तो 8860 तक पहुंच जाएगा आपके हिसाब से? 9025 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके नीचे में मुझे लगता है अगले 2-3 दिन के लिए 8860 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर कौन सा स्टॉक रेडार पर सर ये भी बताएं, क्या कोई नेगेटिव ट्रेड होगा या फिर कोई स्टॉक जो आपने खरीदारी के लिए चुना हो? जी, यहाँ पर पावर ग्रिड में मेरा एक कॉन्ट्रा कॉल रहेगा, नीचे काफी कुछ अच्छी हम इसमें डाउनसाइड में रैली देख चुके हैं काफी कुछ दिनों से, यह ओवरसोल्ड पोजीशन में। RSI में भी हम अगर देखें तो यहाँ पर 50 के ऊपर यह बाय सिग्नल जनरेट
बाय सिग्नल दिखा रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर पावर ग्रिड एक अच्छा खरीदारी का मौका दे रहा है यहाँ पे। इसमें हम ऊपर 204 तक के लक्ष्य देख सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस इसमें ट्रेडर्स 190 का मेंटेन करके बाय करके चल सकते हैं। चलिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार टूटता स्ट्रक्चर आज एक पुल बैक शो कर रहा है, और आपके हिसाब से 204 का टारगेट रखें, 190 का एक स्टॉप लॉस। सिमी भौमिक मेरे साथ इसमें मौजूद है। सिमी नमस्कार, निफ्टी की रेंज बताएं, किस रेंज पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कारोबार आज, और एक दो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, एक दो ट्रेडिंग सेशंस के पर्सपेक्टिव से, और कौन सा स्टॉक है जो खरीद के पैसा बन सकता है ये बताएं। देखिए गुड आफ्टरनून, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि निफ्टी अच्छा सपोर्ट लिया है। उस दिन का जो लो बना था 8860 के आसपास, वहीं पे निफ्टी का 13 डे मा था, उसने सपोर्ट निफ्टी लिया था, उस दिन का क्लोजिंग अच्छा आया था, आज ये मेंटेन कर रहा है पॉजिटिव हिस्ट्री में, तो हो सकता है कि ये मोमेंटम आगे भी मेंटेन होगा। मैं बाय कॉल ही दिया हूँ, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 8890 का इसीलिए है क्योंकि मैं मेजर सपोर्ट 8920 से 8900 के बीच में मतलब मुझे लगता है कि निफ्टी को वापस सपोर्ट मिल सकता है। जब तक निफ्टी इस रेंज से ऊपर रहेगा मैं बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी मेंटेन करने के लिए कहूंगी। 8890 का स्टॉप लॉस होगा, और मेरा अपसाइड टारगेट 8990 एंड 9020 है। ये एक मेजर सप्लाई एरिया है जो कि निफ्टी को पार करना पड़ेगा। इसी रेंज के आसपास आके निफ्टी शुरू में मतलब मार्च के शुरू में आके रेजिस्टेंस लिया था, जब ये रेंज डिसाइसिवली क्रॉस हो जाएगा तब निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट 9150 होगा। उसके लिए उम्मीद है कि वो इलेक्शंस का जो आउटकम होगा, यूपी चुनावों का आउटकम हो सकता है उससे पहले अगर बाजार क्रॉस कर जाए तो वॉल्यूम्स एकदम से सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ जाएंगे मार्केट पे। 9020 का अपर कैप मान के समझते हैं और 8890 का एक स्टॉप लॉस रख के तेजी खेलने की सलाह। लेकिन सुमित जी, मुद्दा ये कि कौन सा स्टॉक चढ़ेगा मार्केट में, बहुत ज्यादा वोलेटाइल मूवमेंट्स देखने को मिल रही है और ज्यादा बड़े रिटर्न स्टॉक्स नहीं दे रहे, कोई एक स्टॉक बताएं। मैंने जो स्टॉक चूज किया है उसमें भी ज्यादा बड़ा रिटर्न का मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, पर मार्च के शुरू में एक छोटा सा मोमेंटम मैंने टाटा मोटर्स में आते हुए देखा है। ऊपर अच्छा। से काफी हद तक करेक्ट हो चुका है, 460 के ऊपर मेंटेन भी आज कर रहा है। मैं 460 के ऊपर नीचे स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। 470-474 ये दो टारगेट्स है मेरा, हो सकता है कल तक ये टारगेट अचीव हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट्स पे तीनों कॉल्स पॉजिटिव है, 9000-9020 मान लीजिए ऊपरी साइड पे एक टारगेट रहेगा, तो बाजार पे कोई भी डिप अभी भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खरीदारी करने के लिए। और यूपी चुनाव का जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन आउटकम वो बहुत बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के पास है, अब देखते हैं उससे पहले ही क्या 9000 का स्तर पार कर देता है मार्केट्स पे, क्योंकि अंडरलाइंग स्ट्रेंथ जो इसमें मार्केट्स पे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बलबूते देखने को मिल रही है आज तो। लेकिन तीन स्टॉक्स अरविंद, पावर ग्रिड और टाटा मोटर्स, तीनों पे बाय कॉल है। जेके जैन साहब मेरे साथ मौजूद है कारवी स्टॉक ब्रोकिंग से। जेके नमस्कार सर, निफ्टी पे क्या ये 9000 की जो हम बात कर रहे हैं बार बार एक साइकोलॉजिकल हर्डल हो गया है, सीरीज के लिए एक हर्डल हो गया, इसके ऊपर तो कभी क्लोज दी नहीं मार्केट ने, लगता है इसको इजीली क्रॉस करेंगे इलेक्शंस के आउटकम से पहले? इतना इजीली क्रॉस तो नहीं होगा, बट ओवरऑल जिस हिसाब से बायर देखिए आई थिंक गिरावट में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रहा है, तो क्लियरली इंडिकेट दे रहा है कि मार्केट 9000 क्रॉस करेगा बट उतना इजीली क्रॉस नहीं करेगा। जब भी करेगा मेरे हिसाब से एक इवेंट पैन आउट होने के बाद ही ब्रेकआउट काइंड ऑफ ट्रेड देखने को मिलेगा। आई थिंक 9000 टच करके मार्केट नहीं जाएगा, ब्रेकआउट पे 9000 ब्रेक होने के चांसेस काफी हाई है। बट ओवरऑल अगर देखिए तो गिरावट पे अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है, कोई ना कोई स्टॉक लीड कर रहा है, निफ्टी को सपोर्ट दे रहा है, और जिस रिलायंस इंडस्ट्रीज पे रणनीति बताएं सर, ये लेवल्स नए छू रहा है सर अभी स्टॉक, और 9 साल के उच्चतम स्तर के भेद करीब पहुंच गया, तो ये तेजी कितनी और बढ़ेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज में सीरीज के हिसाब से? अगर अभी बेट लगाएं तब भी पैसा बनेगा क्या? 13000 के लेवल को होल्ड कर रहा है अभी स्टॉक, 1300 के लेवल को माफ कीजिए, 1300 कोई रेजिस्टेंस नहीं है। स्टॉक का जो 1140 टू 1200 का रेंज जो रेजिस्टेंस जोन था वो ब्रेकआउट दे चुका है। इट इज लाइक 8 से 10 साल का कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, तो
जब भी ऐसा पैटर्न ब्रेकआउट देखते हैं हम लोग कि ये मोमेंटम क्या है ऑन होता है, शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव में 25-30% रिटर्न मिलना कोई इजी नहीं होता है, ऑल दो बड़ा स्टॉक है, लार्ज कैप है, आई थिंक 25% रीजनेबल होगा, ऊपर में 1400-1450 लेवल्स भी देखने को मिल सकता है इस सीरीज में, तो मेरे हिसाब से डिप पे बाय करना चाहिए, 1240 का स्ट्राइक स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा डीप होगा, तो अगर यहाँ से 20-30 रुपए में डिप मिलता है तो खरीदारी कर लेनी चाहिए स्टॉक में। अच्छा, अगर कॉल खरीदनी हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की कोई कॉल खरीद सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गई है, वोलेटिलिटी बढ़ गई है कॉल्स में? आईवीज काफी हाई है, जंप हुए हैं, तो आई थिंक ये वोलेटिलिटी एक्सपैंड अभी भी होनी बाकी है, वोलेटिलिटी एक्सपैंड हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, बट एक्सपैंड होनी बाकी है, तो कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी जैसे फ्यूचर बाय कीजिए, ऊपर 1350 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, या बुल कॉल स्प्रेड 1300 का कॉल बाय करके ऊपर 1350 या 1400 का कॉल, तो बुलिश बायस करते हुए ये स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, बुल कॉल या कवर्ड कॉल बेनिफिट स्ट्रेटेजीज फॉर द सीरीज। चलिए, एक और स्टॉक भारत फोर्ज, क्या किया जाए क्योंकि आज के सत्र में तेजी पकड़ गया ये पर्टिकुलर स्टॉक, क्लास ए ट्रक्स की बिक्री 28% बढ़ी, अगर वॉल्यूम बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक पे तो बहुत स्ट्रांगली असर आता है, ये आज का पहला मूव है जो इसने दिया पॉजिटिव साइड पे, या फिर अभी मेरा सवाल ये है कि निचले स्तरों से जो पुल बैक है और बढ़ सकता है? नहीं, अगर देखिए स्टॉक के गैप अप दिया है आज ओपनिंग, बट ओवरऑल अगर देखिए रेसिस्टेंस इसका जो 1080-1100 का रेसिस्टेंस जोन है वही अटका हुआ है स्टॉक, तब तक 1100 क्रॉस नहीं करता है मुझे लगता कि कितना स्टॉक मोमेंटम होगा स्टॉक में, जिस हिसाब से गैप अप होने के बाद में फॉलो बाइक नहीं देखने को मिले तो हमें लगता है कि गैप दोबारा फिल करने के चांसेस हाई है, तो गैप फिल करके अगर अप्रैल रिव्यू होता है तो वो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा रैदर देन बाइक एट दिस लेवल, तो मैं वेट करूंगा एक दो दिन, अगर गैप फिल करता है तभी खरीदने की ठीक है। राइट, आपने चुना है खरीदारी करने के लिए ओरिएंटल बैंक को कॉमर्स, लग रहा है यहाँ अगर खरीदने तो कहाँ तक के टारगेट्स आपने सेट किए हैं? स्टॉक देखिए आज करीब 18-20% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है स्टॉक में, और PSU बैंक्स में देखिए एक करेक्टिव हु, अगर पिछले सीरीज के एक्सपायरी वीक में करेक्टिव हु के बाद में ये जो सीरीज हुआ है स्टार्ट हुआ है वहां पे एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप होते हुए दिखी है, तो आई थिंक PSU बैंक में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, OBC में हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव में 132-133 का लक्ष्य लगा के बाय करना चाहिए, 121 रुपए का इसका स्टॉप लॉस होगा तो मैं खरीदारी करने के लिए। अच्छा, एक टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा ग्लोबल, ये स्टॉक देख के बताएं एक्टिव होगा क्या इस सीरीज में, अगर ले लूं तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर कोई ऑप्शन के जरिए ट्रेड इस स्टॉक पे? ओवरऑल अगर स्टॉक देखिए 138-145 के रेंज में घूम रहा है, 146 के रेंज में, तो आई थिंक 146 ब्रेकआउट देता है तो अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है, जिस हिसाब से पिछले दो ट्रेडिंग सेशन का जो मूव देखने को मिला है वॉल्यूम उतना नहीं है, बट अगर वॉल्यूम आ जाता है तो आई थिंक 146 ब्रेक करने के चांसेस काफी हाई है, 138 पे 2-3 बार सपोर्ट लेके रिज्यूम किया अपट्रेंड, तो हमें लगता है कि चांसेस है ब्रेकआउट देने के, अगर 146 ब्रेकआउट देता है तो तुरंत 152-150 वेरी शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव में 152-155 लेवल देखने को मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, आई थिंक रिस्क लेके फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए, अगर रिस्क नहीं लेना है तो 150 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, 146 ब्रेकआउट होता है तो फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, नीचे में 140 के नीचे स्लिप नहीं होना चाहिए, तो 140 का स्टॉप लॉस लगाकर इस पे खरीदारी कर लीजिए। चलिए, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है उस पर फटाफट से आपको अपडेट कर दें, और भारतीय रेल का मेगा प्लान है विज्ञापन राइट्स बेचने के लिए, भारतीय रेल अब ऑक्शन मेगा ऑक्शन शुरू करने जा रही है ट्रेन और स्टेशन पर विज्ञापन राइट्स के लिए, बुधवार को एक मेगा ऑक्शन की तैयारी है, इस पर और अपडेट लेते हैं संदीप मेरे सहयोगी से, मेरे साथ माफ कीजिएगा समीर मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, समीर बताएं ये कमाई बढ़ाने का एकदम से नया तरीका फॉर्मूला रेलवे ने ढूंढा? जी बिल्कुल, रेलवे जो है नॉन फेयर रेवेन्यू के तहत यानी कि किरायों को उसमें कोई बढ़ोतरी ना करके अलग से रेलवे अपनी झोली भरना चाहती है, कमाई बढ़ाना चाहती है, और विज्ञापन उसमें सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे को कमाई के लिए नज़र आ रहा है, और इसके लिए विज्ञापन राइट्स को बेचने के लिए इसके लिए ऑक्शनिंग करेगी रेलवे बुधवार को, जैसा कि सूत्र बताते हैं बुधवार को इसकी ऑक्शनिंग की जाएगी एडवर्टीजमेंट राइट्स को लेकर, और अभी जो निकल के बात सामने आ रही है कि पेटीएम और बाबा रामदेव के पतंजलि दोनों ने बहुत दिलचस्पी जताई है जिसमें वो इस ऑक्शनिंग में शामिल होना चाहते हैं और राइट्स को हासिल करना चाहते हैं, रेलवे को उम्मीद है कि विज्ञापन के जरिए अगर वो 1000 ट्रेन को और रेलवे स्टेशन को आगे विज्ञापन के लिए देती है तो उसको सालाना 1000-1500 करोड़ रुपए की कमाई हो पाएगी, और ये आगे चल के इसमें इजाफा होता रहेगा, इंक्रीमेंटल ये इसमें कमाई का लक्ष्य रेलवे लेकर चल रही है। ये सबको पता है कि रेलवे जो है आईबॉल्स के लिहाज से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, रोज़ाना तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, चाहे स्टेशन पे हो
या फिर ट्रैवल के लिहाज से, और इन्हीं नज़रों को केंद्र बनाकर रेलवे को उम्मीद है कि वो जो एडवर्टीजमेंट राइट्स जारी करेंगे तो उनको बहुत कमाई हो सकेगी। जी चलिए, तो विज्ञापन राइट्स जो हैं उसको बेचने की तैयारी है, 1000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य है, और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है वो रेलवे को गोइंग फॉरवर्ड भी काफ़ी मदद कर सकता है मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए। बहुत शुक्रिया समीर मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मार्केट्स कहां पर जाएंगी, कौन से सेक्टर्स पे एक्शन देखने को मिल सकता है, और इनफैक्ट अर्थव्यवस्था की सोच चल रही है, हमने बात की काकू नखाते साहब से, प्रेसिडेंट एंड कंट्री हेड बैंक ऑफ अमेरिका के, आइए सुन लेते हैं उनका क्या कहना था। If you're talking about the global economy, ma'am, and going forward, you have been talking to a lot of investors. You have been, you have been into equities as well all your life. Now you are handling a different role, though. But what do you think? So, is the environment, investment environment, if you can just highlight that, ma'am? So, I would say right now liquidity is the king. U.S. markets are flush with liquidity. Fantastic. You know, all the we just priced a benchmark bond for ICICI. Right. At the tightest spread ever after the financial crisis for ICICI. We did a Hindalco QIP. You know, we are seeing globally a lot more very big deals getting done. So right now with the where flush is demand liquidity, coming from, ma'am? Because there is a liquidity right. in the markets, and you know, there are not many new capacity utilization going up. Exactly. So I think people are just putting the money in. And in India per se, demonetization has brought right funds into the banks, and they are going into productive right. Products. Sure, we have been seeing a trend which we have seen in FIIs from October to December, or say maybe in Jan. FIIs were net sellers to the tune of roughly over $4.5 billion, and we have seen this trend reversing. Last month we have seen an inflow of $1.5 billion as well. Will this trend continue, or is this to stay? If you can just highlight that, ma'am. So two things. We have seen a structural change in India. Right. So while FII saw, you didn't see much impact in the market because domestic flows really touched the peak. And our core is getting stronger and stronger. And that was partly because of the demonetization and the peak. And now what you're seeing is because there were certain funds coming into emerging markets, we saw a fair share. So today, the bounce downward is comparatively much restrained, right, given that we also have domestic flows supporting our economy. Right, ma'am. As we're talking about FPIs, one question which is rather bothering me, if you can say, correct me if I'm wrong. Last year we had this revised double taxation avoid agreement with Mauritius, Cyprus and Singapore. So, I mean, is this the reason why FIIs are pumping in money just to take advantage of the last few months which they have caused from April 1st, 2017 onward? They're going to pay taxes on that. So if you can just explain the situation, ma'am, how it's going. So I would not be able to really talk on the FPI perspective, but I must say that India is changing bilateral treaties through right. lot many countries. Right. I think most of the countries we are going through that, and the GAAR definitely has an impact on when you are going to really book the right. investments. Sure. But market. चलिए, तो गार का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा मार्केट्स पे गोइंग फॉरवर्ड। एफआईएस निवेश जो थोड़ा कम हुआ है, डीआईएस के सपोर्ट से बाजार को स्ट्रेंथ मिली, डिपॉजिट्स बहुत तगड़े क्रिएट हो गए हैं बैंकिंग में। लेकिन अभी जो फोकस जिस सेक्टर पे आया है फटाफट से वो देख लें, वो है रियल एस्टेट। निश्चित तौर से एकदम से पलटे स्टॉक्स, डीएलएफ, एचडीआईएल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसे स्टॉक्स पे फोकस रखें, और ऑटो पैक में अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स जो हैं वो इस समय बस कर रहे हैं। काफी स्ट्रांगली खरीदारी अशोक लेलैंड पे भी हो रही है, चार्ट अगर टिक बाय टिक देख पाए तो। इसमें से कोई भी स्टॉक जेके आपके रडार पर, अशोक लेलैंड, डीएलएफ, एचडीआईएल जैसे स्टॉक्स में से? आई थिंक अशोक लेलैंड प्रेफर करूंगा मैं, बिकॉज रियल एस्टेट देखिए आई थिंक काफी वोलेटिलिटी है, फॉलो अप बाइंग देखने को नहीं मिलता है। आई थिंक हाई बीटा स्टॉक से मेरे हिसाब से रियल एस्टेट बैंक से एक दिन का मुझे आई विल नॉट सजेस्ट कि इनमें बाय करना चाहिए। अशोक लेलैंड काफी हद तक करेक्ट हुआ है, उसके ऊपर 85-86 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहां सपोर्ट लेके बाउंस हो रहा है। अगर ये स्टॉक ऊपर में 90 लेवल्स क्रॉस कर देता है तो दोबारा अपना जो 52 में था 96-97 लेवल टेस्ट करने के चांसेस नहीं है, तो मैं अशोक लेलैंड पे बैट करूंगा रैदर देन रियल एस्टेट। चलिए जेके, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। दिन के सितंबर के बेहद करीब एक स्पाइक अशोक लेलैंड पे आज के सत्र पे देखने को मिल रहा है, तो मार्केट्स पे स्ट्रेंथ है। पॉकेट जहां खरीदारी है उसमें बैंकिंग, रियल एस्टेट, ऑटो पैक में और एनर्जी स्टॉक्स में, स्पेसिफिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खरीदारी देखने को मिल रही है। यह था इक्विटी मार्केट का हाल, डेरिवेटिव मार्केट का हाल, लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन है वो भी देख लेते हैं।
सोने और चांदी पे शुरुआती सत्र से ही आज के सत्र में एक पुल बैक ट्रेड्स बनते हुए नजर आए और पिछले कुछ दिनों से गिरावट को आज बाजार ने कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। 1/4% ज्यादा की तेजी हो चुकी है और केडीए कमोडिटी से हमने जानने की कोशिश की किया क्या जाए आज के सत्र के लिए। उनका मानना है क्रूड अप्रैल वायदा आप खरीद गोल्ड अप्रैल वायदा आप खरीद के चल सकते हैं 29400 का यानी कि 29400 का टारगेट रहेगा, 28900 का एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा सिल्वर इसमें मई वायदा खरीदारी की राय आई है और इसमें जो टारगेट्स हैं वो है 42,950 का 42,050 के स्टॉप लॉस के साथ आप मई वायदा सिल्वर पे खरीदारी करके चल सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस फॉलो कीजिए क्योंकि बहुत समय के बाद निश्चित रूप से एक पुल बैक शो हो रहा है सभी कॉमोडिटीज पे। केडीए कॉमोडिटी में आता है मार्च वायदा क्रूड पे खरीदें आप, 36.10 का एक टारगेट लेके चल रहे हैं वो और 34.70 का एक स्टॉप लॉस। ये कॉमोडिटी पिछले कुछ दिनों में बहुत रेंज में फंस गई है लेकिन अपर रेंज के अपर पोर्शन पे जाती हुई नजर आएगी अपर बैंड पे। कॉपर आज गिरा जरूर है एमसीएक्स पर लेकिन 399 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की राय और 389 का एक स्टॉप लॉस। बाय एंड डिप्स की रणनीति रखें, 393 के आसपास खरीदें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। निकल मार्च वायदा पे भी खरीदारी की राय आई है, 742 का टारगेट है और 716 का एक स्टॉप लॉस। 728 के आसपास पोजीशन बनाते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। तो ये कुछ कॉल्स जहां पर आप नजर रख के चल सकते हैं। अब एग्री कॉमोडिटीज पर जहां पर एक्शन है उसमें धनिया, इसको बेचकर चल सकते हैं 6,580 के टारगेट के लिए, 6,950 का एक स्टॉप लॉस इस कॉमोडिटी पर लगाएं। अप्रैल वायदा बेचकर चलें और इसके अलावा जीरा अप्रैल वायदा बिकवाली की सलाह, 16,500 का टारगेट है, 16,880 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। दो कॉमोडिटीज और हैं जिसमें कैस्टर सीड और ग्वार सीड दोनों पे ही आज खरीदारी की राय आई है। अप्रैल वायदा ग्वार सीड पे जो टारगेट लेके चल रहे हैं केडीए कॉमोडिटी वो है 3,960, स्टॉप लॉस 3,840 और जैसे मैंने कहा कैस्टर सीड पे भी खरीदारी की राय है। अप्रैल में जो टारगेट है वो है 4,310 और स्टॉप लॉस 4,200 का इस ट्रेड पे आपको फॉलो करना होगा।